तो भाई आप भी मेरी तरह यूट्यूबर हैं और अपने चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑल इट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमको ये लगता है कि यार वीडियो का जो थंबनेल है और वीडियो का जो टाइटल है वही इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता दूं वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है उसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा उसका जब फायदा उठाते हैं तो उसमें आप लिंक पोस्ट कर देते हैं। अब लिंक पोस्ट से क्या होता है कि लोग आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके कहीं भी आप उनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक तो आपको डालने चाहिए, लेकिन भाई लिंक डालने का सही तरीका क्या है पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको लिंक डालने का डिस्क्रिप्शन में सही तरीका नहीं पता तो फिर आपको नुकसान होगा। अब सबसे पहली गलती जो मैं बता दूं जो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए YouTube का कोई चैनल है, उस चैनल को हमको उसका जो लिंक है चैनल का लिंक वो हमको मान लो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है, या फिर YouTube की कोई और वीडियो है उसका भी जो वीडियो का लिंक है वो भी हमको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है, या फिर मान लीजिए हमने कोई वीडियो बनाई है और इससे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, उस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब का कोई प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो लोग सोचते हैं इतना बड़ा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो उसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के लिए वो बिटली जैसी जो वेबसाइट्स होती है इनका इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट लिंक कर देते हैं, शॉर्ट लिंक करके वो डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब देखिए बिटली वैसे सेफ है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो शॉर्ट लिंक कर वेबसाइट है जिन पे आपको थोड़ा रेवेन्यू भी मिल सकता है, मतलब पैसा भी कमा सकते हो। पहली बात तो आप उनका यूज़ ना करें, अब यूट्यूब पे उनका यूज़ करना गलत बात है, ठीक है। पहली बात तो यही है कि आपको जो भी शॉर्ट लिंक कर वेबसाइट है जो आपको पैसे वैसे देती है एडवर्ट दिखा के, उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक लगाना है तो। अब बात करते हैं बिटली की, तो देखिए बिटली बिल्कुल सेफ है, लेकिन 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 आपको बिटली का भी इस्तेमाल नहीं करना है यूट्यूब की कोई वीडियो, यूट्यूब का कोई चैनल और YouTube की कोई भी प्लेलिस्ट का लिंक अगर आप शेयर करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। नुकसान समझ लीजिए क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपने अपनी कोई वीडियो है इसके अंदर या तो कोई दूसरी YouTube चैनल या तो दूसरी कोई YouTube वीडियो या फिर अपनी कोई प्लेलिस्ट का लिंक बिटली करके शॉर्ट करके वो लिंक आपने पेस्ट किया अपने डिस्क्रिप्शन में, तो अब कोई भी यूजर अगर उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब की ऐप में ओपन नहीं होगा बल्कि उसके ब्राउजर में ओपन होगा। तो अब ब्राउजर में ओपन होना एक बहुत ही ऑकवर्ड सा फील देता है और उससे अच्छा मज़ा भी नहीं आएगा लोगों को, हो सकता है वो उस वीडियो को ना देखें। तो बेटर ये है कि आप अगर YouTube का कोई भी, चाहे वो प्लेलिस्ट का लिंक हो, चाहे वो चैनल का लिंक हो, चाहे वो वीडियो का लिंक हो, वो डायरेक्ट शेयर करें अपने डिस्क्रिप्शन में। इससे होगा ये, यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा तो सीधा YouTube की ऐप में ही ओपन होगा और आपकी दूसरी वीडियोज़ पर भी व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बिटली करके डाल देते हैं, तो पहला तरीका तो ये गलत है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ जो बहुत बड़ी गलती है, देखिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो गूगल प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट नहीं करती, थर्ड पार्टी ऐप होती है, बट उनके स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है और लोग वो जो कंपनी वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस लिंक को आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना। जब आप उनसे ये कहते हो कि भाई साहब आपकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे तो है नहीं, तो भाई मैं इसका लिंक नहीं डालूंगा, तो अभी तो क्या है कि आजकल कंपनी क्रिएटर को ही मैनिपुलेट करने में लगी है। वो क्रिएटर से ये कहती है कि हमारी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे जल्दी आने वाली है, अभी टेस्टिंग मोड पे चल रही है। मैं बता दूं कंपनी सबसे बड़ा ये झूठ बोल रही है, कोई भी टेस्टिंग मोड पे ऐसी ऐप नहीं होती है। एक्चुअल में इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती है, कसिनो, गमलिंग, रबीनो, ये गैमलिंग है, रबीनो नहीं होता, रमी होता है, सॉरी, रमी और गैमलिंग है, कसिनो है, कुछ ऐसे ट्रेडिंग भी है फालतू की, इस तरह की एप्लीकेशन गूगल की जो गाइडलाइन होती है उनको फॉलो नहीं करती है, इसलिए वो गूगल प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब ऐसी अगर एप्लीकेशन का आप रिव्यू कर रहे हैं उसका जो डाउनलोड लिंक है अगर आप डाल रहे हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है और आपकी जो अपलोडिंग है वो 7 डेज के लिए बंद भी हो सकती है, तो आपको नहीं डालना है। वैसे आप चाहें तो अपने कमेंट पिन में डाल सकते हैं लिंक, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि यार इस तरह की फालतू ऐप का आप रिव्यू ही मत करें, पैसे के पीछे मत भागे, ऑडियंस का नुकसान होता है, मैं भी नहीं करता हूं इस तरह की किसी भी ऐप का रिव्यू, ठीक है।
अच्छा एक चीज यहाँ पे और भी है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो सस्पिशियस वेबसाइट्स हैं, मान लीजिए या तो आप उनका डायरेक्ट की डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप ले रहे हो तो लिंक लगा रहे हो, या आप अपनी मर्जी से उन पर एक ट्यूटोरियल बना रहे हो लिंक लगा रहे हो, तो आपको ध्यान देना है किसी भी वेबसाइट अगर वो सस्पिशियस है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं डालना है, वरना आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको लिंक डालने हैं अपने सोशल मीडिया के तो उसमें भी कुछ लोग बहुत गलती करते हैं, बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल योगी, मेरे इंस्टाग्राम का जो URL है मतलब यूज़र आईडी है वो भी टेक्निकल योगी है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे मैंने चैनल्स पे देखा है लोग क्या करते हैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं माई सोशल मीडिया। अब फेसबुक के लिखना है मान लो तो लिखेंगे www.facebook.com/ और चैनल का नाम लिख देंगे जो भी उनकी यूजर आईडी है, ऐसे ही ट्विटर का लिख देंगे और ऐसे ही लिख देंगे वो इंस्टाग्राम का। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से अपने को नहीं डालना है, इससे यूजर आपके इंस्टाग्राम पे नहीं पहुंचता है, ठीक है। अपने को क्या करना है, अगर इंस्टाग्राम की आपको अपनी आईडिया किसी भी सोशल मीडिया की जो आईडी है जो URL है उसको अगर डिस्क्रिप्शन में डालना है तो आपको HTTPS के साथ पूरा जो URL है वो पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप HTTPS वाला नहीं करेंगे सिर्फ www. करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक और चौथा मैं आपको बोनस यहाँ पे तरीका बता देता हूँ, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनका रिव्यू आप करते हो और वो आपको एक UTM लिंक बना के देती है, वो लिंक बहुत बड़ा होता है, उस लिंक से क्या होता है वो लोग ट्रैक कर सकते हैं, तो उस तरह का जो लिंक है उसको आप इजीली अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस UTM लिंक के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं है और कंपनी ट्रैक कर लेती है कि उनको आपसे कितना फायदा हुआ। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में कैसे लगाने हैं, यूट्यूब के जो लिंक्स है वो कैसे लगाने हैं और किन वेबसाइट्स और किन ऐप के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक नहीं लगा सकते। तो सब कुछ अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो सही तरीके से लगाना ताकि आपको फायदा हो। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर देना, ऐसा ही कॉन्टेंट आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।